लॉकडाउन के दौरान नगर का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसके लिए नगर पंचायत सोनौली ने कम्युनिटी किचन का स्थापित किया है और यहां से डोर टू डोर लोगों के यहां खाना वितरण करा रही है। आइए आपको हम मिलवाते हैं यहां के रसोईया से और जानते हैं कितने लोगों का खाना बन रहा है और किस तरह से खाना पहुँचाया जा रहा है। उन्नवासी गौड़, क्या यहाँ करते हैं आप? खाना बनाते हैं। कितने लोगों खाना यहाँ बन रहा है? 1600 से ऊपर आदमी, मतलब प्रतिदिन है? प्रतिदिन, सुबह शाम मिलाकर। मैं भी आपका, मेरा नाम है जितेंद्र, मैं यहाँ कम्युनिटी किचन का प्रभारी हूँ जो कि 1600 आदमी का खाना रोज प्रतिदिन बनता है। सुबह शाम दोनों। हर वार्डो में जाता है? हर वार्डो में वितरण होती है। लोगों को खाना बन रहा है? अब देखिए, शासन के निर्देश पर सब कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है। लगभग सुबह शाम मिलाकर सुबह के समय में 800 प्लस, मतलब 850 लोगों को खाना दिया जा रहा है। दोनों समय, सुबह और शाम? नहीं, सुबह और शाम दोनों, मतलब 800 यही ना डोर टू डोर, मतलब घर घर। तो आपने देखा यहाँ पर सुबह और शाम को मिलाकर टोटल 1600 परिवार को खाना जाता है। विजय चौरसिया, जनमन न्यूज, महाराजगंज।